मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। मैं आपको पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो आपके घर में किसी को कैंसर हो जाए तो बीमारी का इलाज एलोपैथी से तो कभी नहीं करा, क्योंकि एलोपैथी में मरीज जो है ना कैंसर से नहीं मरता, कैंसर का जो ट्रीटमेंट दिया जाता उससे मर जाता। कीमोथेरेपी होती है ना, आधा मर तो वैसे ही जाता है वो कीमोथेरेपी। इसलिए कभी भी किसी को कैंसर हो जाए एक तो घबराना नहीं और एलोपैथी के डॉक्टर के पास लेके जाना नहीं। फिर आप पूछेंगे क्या करें, मैं आपको दवा बताता हूं। आपके घर में दवा है, कैंसर की सबसे अच्छी दवा है हल्दी। आपको शायद सुन के आश्चर्य होगा, अमेरिका की सरकार ने हल्दी पर 33 पेटेंट लिए हैं। 33 के 33 पेटेंट जो है ना एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी के पेटेंट। हल्दी में कैंसर को ठीक करने की सबसे ज्यादा ताकत है। लेकिन हल्दी लेना कैसे है? हल्दी दो तरह से आती है, एक तो सूखी हल्दी है, एक तो आती है ताजा हल्दी, अदरक जैसी, वो ही हल्दी कैंसर की दवा है। ताजा हल्दी, ताजा हल्दी लेना, उसकी गांठ को पीसना, चटनी बनाना, चटनी बना के कपड़े में निचोड़ना तो रस निकल आए, वो रस पिलाना है जो भी मरीज को कैंसर है। हल्दी में क्या है, हल्दी में एंटी कैंसरस जो मेडिसिन है उसका नाम है करक्यूमिन। भगवान ने ये सबसे ज्यादा हल्दी में ही दी है और इस करक्यूमिन के कारण ही हल्दी का रंग पीला होता है। वरना अगर ये करक्यूमिन ना हो हल्दी में तो रंग पीला नहीं होगा, वो अदरक जैसी ही रहेगी। तो ये करक्यूमिन नाम का केमिकल है जो एंटी कैंसरस है और इसी की प्रॉपर्टीज पे अमेरिका में पेटेंट है। तो आपके घर में कोई भी कैंसर पेशेंट है तो उसको हल्दी का रस दो, सवेरे सवेरे खाली पेट दो, दो तीन चम्मच दे दो। शुद्ध अगर शहद मिलता हो तो उसमें मिला के दे दो, नहीं तो थोड़ा गुड़ मिला दो, नहीं तो खाली दे दो। और उसके साथ और एक चीज अगर दे सके हैं, देशी गाय का मूत्र, क्योंकि देशी गाय के मूत्र में भी वही प्रॉपर्टी है जो हल्दी में, उसमें भी गुणधर्म एक ही है। तो देशी गाय का मूत्र आधा कप और हल्दी का रस दो तीन चम्मच सुबह सुबह एक घंटे के अंतर पे जो आपने दिया, आप देखना इतना अद्भुत परिणाम आता है। कई गले के कैंसर के मरीज मैंने सिर्फ यही दो दवा से ठीक किए, गले के कैंसर के, पेट के कैंसर के, बहुत आसानी से ठीक होता। और ये दोनों ही चीजें आसानी से हर जगह उपलब्ध है। बस इसमें सावधानी एक ही है कि देशी गाय का ही गोमूत्र लगता है, जर्सी का नहीं, विदेशी गाय का नहीं। और देशी गाय का मूत्र लेते समय ध्यान इतना रखना कि वो गाय गर्भवती ना हो, गर्भावस्था में है तो उसका मूत्र नहीं लेना, बस इतना ध्यान रखना। माने गाय की बछड़ी का लेना कभी भी, आसानी से ठीक होने वाली बीमारी। कैंसर के ठीक होने में बहुत बार आसानी है, लेकिन इसका दुष्प्रचार इतना हुआ है कि सब डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। और डरने और घबराने के बाद होता क्या है कि तुरंत डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करा लेते हैं और सब वैज्ञानिक कहते हैं कि जो कैंसर को ऑपरेट कर दिया तो कभी ठीक होता नहीं, पेशेंट भी जाता है, पैसा भी जाता है। आयुर्वेद तो ये कहता है कि शरीर में सभी गांठ कैंसर नहीं होती, आप ध्यान रखना इस बात का। हमारे शरीर के किसी हिस्से में कोई गांठ हो जाए तो तुरंत हमें शक होने लगता है कि जी कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। डॉक्टर कई बार आपकी अज्ञानता का फायदा उठाते हैं, थोड़ी सी भी गांठ कहीं हो गई डॉक्टर कहते थे अरे ये तो ट्यूमर है, कैंसर हो सकता है, आप घबरा जाते हैं। तुरंत डॉक्टर कहता है इस गांठ को कटवा के निकलवा दो, अगर वो कटवा दिया तो जरूर कैंसर हो जाएगा। और आयुर्वेद ये दावे से कहता है कि जो गांठ शरीर में बनी है वो घुलती भी है, आप उसका एंटी करो, जिस कारण से गांठ बनी है उसका उल्टा काम शुरू कर दो, वो घुल जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके लिए दवाएं हैं, बहुत अच्छी दवाएं हैं, घर घर में वो आसानी से उपलब्ध है। कोई भी गांठ शरीर के किसी हिस्से में हो गई हो ना तो सबसे अच्छी दवा है चूने का पानी। गांठ जो बनती है ना कैल्शियम की कमी से बनती है और चूने में भरपूर कैल्शियम, सबसे सस्ता कैल्शियम का स्रोत है। माताओं बहनों में वक्षस्थल पर जितनी भी गांठें बनती हैं, ब्रेस्ट में ट्यूमर्स, वो सब आसानी से डिसॉल्व होते हैं। चूने का पानी है, दो तीन चम्मच ले लो, दही में मिला के खाओ सवेरे सवेरे खाली पेट, बहुत आसान है। नहीं तो चूना ही खाओ। अब चूना खाने का तरीका क्या है, पान में चूना लगा के खा लो, दही में चूना मिला के खा लो,
पानी में चूना मिला के पी लो, ये सब तरीके हैं, लेकिन करना है ये सब सवेरे सवेरे। आयुर्वेद की सभी दवाएं खाली पेट सबसे ज्यादा काम करती।